नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। दिवाली के मौके पे हम आपको मार्केट एक्सपर्ट से मुलाकात करा रहे हैं। जानने की कोशिश ये है कि इस दिवाली से अगली दिवाली बाजार कहाँ जा सकता है और कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं ताकि आपके पोर्टफोलियो में मोटा मुनाफा हो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे खास मेहमान हैं निलेश शाह जी, कोटक AMC के MD और CEO। निलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक में। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको और बिस्तक के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। निलेश सर, मार्केट्स पे अगर आपका व्यू ना लें तो ये दिवाली फीकी रहेगी। पहले तो ये बताएं कि इस साल तो कुछ हुआ नहीं, इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत स्टॉक्स ने कमाई करा दी, लेकिन ये मार्केट क्या ऐसे ही रहने वाला है, क्या कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा, आउटलुक क्या है आपका अगली दिवाली तक, क्या हम यहाँ से बाजार को चढ़ता देखेंगे? इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि भारत की कुंडली में सारे ग्रह सही ठिकाने पे हैं। ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और अपने साथ साथ दूसरे देश सेल्फ कोल कर रहे हैं। तो हमारे साथ अब बिरबल की कहानी बन गई है। जब अकबर ने कहा बिरबल को, ये लाइन को छुए बगैर बड़ी करके दिखाओ, तो उन्होंने उस लाइन के नीचे एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, तो अपने आप बड़ी ऊपर वाली लाइन बड़ी हो गई। कुछ ऐसा ही भारत के साथ हो रहा है। बाकी देश सेल्फ कॉल कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम और भी अच्छे लग रहे हैं। मेरे हिसाब से आने वाला समय निवेशक के लिए अच्छा समय रहेगा। अगर आप क्वालिटी शेयर्स में खरीदी करें, लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप में निवेश करें, तो आने वाले समय में भी आपको रिटर्न बन सकता है। लेकिन निलेश सर, क्या बाजार में नियर टर्म में कुछ खतरा है, कुछ, क्योंकि मुनाफा वसूली बहुत हो गई सर हायर लेवल्स पे, और रिटेल कैटेगरी के जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर छोटे मझोले शेयर्स में पैसा डाल देते हैं, अभी उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा, तो क्या कुछ करेक्शन देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, इसका डर है? तो रजत भाई, इस वक्त मार्केट एक ऐसा चौराहा है जहां पे लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप में ग्रीन सिग्नल है। आप अभी भी निवेश कर सकते हैं, कोई डर की बात नहीं। वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी बट इवेंचुअली पैसा बनेगा। एट द सेम टाइम जो माइक्रो कैप मिनी कैप्स SME एक्सचेंज है वहां पे रेड लाइट लगी है। वहां पे अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ के खरीदिएगा। अच्छे बिजनेस और अच्छे दाम पे मिलने वाले स्टॉक ही ले लेना, बाकी वहां पे एक रेड सिग्नल है। और जो स्मॉल एंड स्मॉलर मिड कैप है वहां पे एक अंबर सिग्नल है, येलो सिग्नल है। कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें बुरी लगती है। तो मेरे हिसाब से इस साल इस संवत स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने कचरे स्टॉक खरीदे, अगर आपने ऐसे स्टॉक खरीदे जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और इसीलिए भाव बहुत बढ़ गया है, तो वहां पे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। वहां पे इट इज लाइक क्रॉसिंग अ रेड सिग्नल। एट द सेम टाइम अगर आपने लार्ज कैप लिया, लार्जर मिड कैप लिया, तो वहां पे ग्रीन सिग्नल है, अगले समय में वहां पे पैसे बनने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन सर, ये लार्ज कैप स्टॉक्स ही तो परफॉर्म नहीं कर पाए इस बार मार्केट में, जो असल मार्केट में एक्शन हुआ है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस साल हुआ है। ये लार्ज कैप्स में HDFC बैंक नहीं चला, ICICI बैंक में उतने अच्छे रिटर्न्स इस साल डिलीवर नहीं किए, और बहुत है, सूची तो बहुत है। इनफैक्ट बैंकिंग में भी छोटे मझौलों का जोर ज़्यादा रहा, PSU बैंक का ज़्यादा रहा, लेकिन लार्ज कैप्स नहीं चले। ऊपर से ये जो IT सेक्टर है इसकी भी कम्प्लीटली अंडर परफॉर्मेंस है, तो TCS इन्फोसिस से नहीं हो पा रहा अभी, तो क्या लार्ज कैप स्टॉक्स अभी यहाँ से चलेंगे? तो मेरे हिसाब से रिटर्न कहाँ बनता है, जब आप चीजें सस्ती खरीदे तब रिटर्न बनता है, जब चीजें महंगी खरीदे तो पैसा नहीं बनता। अगर स्मॉल एंड माइक्रो कैप एंड मिनी कैप चले हैं, उनके वैल्यूएशन लार्ज कैप से ज्यादा है, उनके वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा है, तो वहां पे रिटर्न बनाने की उम्मीद कम होगी। पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। लार्ज कैप चले नहीं है इसीलिए तो वो सस्ते हो गए हैं। एंड ये कंपनीज अच्छी कंपनीज है, कई सालों से ये डिविडेंड देती है, लिवरेज कम है, बिजनेस की सर्टेनिटी ज्यादा है। हाँ, पिछले 1.5 साल से इन्होंने रिटर्न नहीं दिया, बट इसीलिए तो सस्ते हुए हैं और यहाँ से अब उनमें रिटर्न बनाने की उम्मीद ज्यादा है। तो पोर्टफोलियो में अगर अभी पोर्टफोलियो एलोकेशन करना हो किसी को,
तो कौन से सेक्टर्स पे आप समझते हो कि अगली दिवाली तक तेजी बन सकती है, कहां पर अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है सर? फाइनेंस एंड बैंकिंग ये सेक्टर ज्यादा चला नहीं है, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की थी बैंकिंग क्षेत्र में, बिकॉज दुनिया भर की बैंकें गलत अलग अलग प्रकार के प्रेशर में थी, तो उन्होंने उसके चलते चलते भारतीय बैंक भी बेच दी। बट हमारी बैंकों की नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट लेवल के आसपास है, एनपीए लेवल लोएस्ट लेवल के आसपास है, क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, डिपॉजिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, नेट नेट वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं, फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं। तो आने वाले समय में एनबीएफसी, बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस हो, असेट मैनेजमेंट हो, इनका अगर एक आप कंबाइंड पोर्टफोलियो बना ले तो वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सिर्फ फाइनेंस, मेरे को तो लगा था कि रियल एस्टेट, ऑटोज जो इस साल परफॉर्म करके आए हैं, सूची बहुत बड़ी होगी और आप एक के बाद एक सेक्टर्स हमारे सामने रख देंगे। आप सिर्फ फाइनेंस पे बुलिश हो या फिर आने वाले समय के लिए कुछ और थीम्स जो हैं वो मार्केट पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं रजत भाई, एक ही थीम पे हम बुलिश नहीं है, और भी बहुत सारी थीम्स हैं। एक थीम जो हमें बहुत अच्छी लगती है वह मैन्युफैक्चरिंग थीम है। दुनिया के बहुत सारे देश चाइना से खरीदारी कर रहे थे, अब उन्हें अपना प्रोडक्शन बेस या सप्लाई बेस डिवर्सिफाई करना है। देश बहुत सारे देश है उस कंपटीशन में, भारत भी एक है। बट हमें लगता है जो भारतीय कंपनी डोमेस्टिक मार्केट को कवर कर रही है, सर्विस कर रही है, वह अगर साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट को सर्विस करना चालू कर दे तो मेरे हिसाब से ये मैन्युफैक्चरिंग थीम के तहत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ला सकती है। भारत की कंपनीज को ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी काफी बड़ी है, तो अगर आपके दोनों हाथ में लड्डू हो तो ऑब्वियस मजा आएगा। वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर आ सकता है। बट रजत भाई, सेक्टर से महत्वपूर्ण चीज है प्रमोटर। आप हमेशा अच्छे प्रमोटर के साथ पार्टनरशिप करिएगा, आप हमेशा ऐसे प्रमोटर की कंपनी में निवेश करिए जो खुद एक विजन रखता हो, जो एग्जीक्यूशन करने में काबिल हो और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को चीट नहीं करेगा। सो जिसका विजन, एग्जीक्यूशन और गवर्नेंस अच्छा हो उस प्रमोटर को बैक करिए। सेक्टर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट एक अच्छा प्रमोटर एक अच्छे बैट्समैन की तरह चाहे बॉलिंग पिच हो चाहे बैटिंग पिच हो रन बनाते रहेगा। सर, रियल एस्टेट स्टॉक्स इस साल इतनी जबरदस्त तेजी क्यों पकड़ गए और इस पे क्या आउटलुक है सेक्टर पे? सो रियल एस्टेट एक बहुत अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर था, निवेशकों का वहां पे अनुभव अच्छा नहीं था कई समय से, तो कुछ हद तक लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो बहुत सस्ता हो गया था। एंड अब जाके रियल एस्टेट सेक्टर में टर्न अराउंड हुआ है। मास मार्केट हाउसिंग अभी भी उतना टर्न अराउंड नहीं हुआ जितना प्रीमियम हाउसिंग हुआ है। अगर आप एक 25 लाख का फ्लैट बेचेंगे तो 10% पे 2.5 लाख कमाएंगे, बट अगर आप 2.5 करोड़ का फ्लैट बेचेंगे तो 10% पे 25 लाख कमाएंगे। तो ये जो प्रीमियमाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट हुआ उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हुआ, प्रॉफिट के नंबर्स में काफी बढ़ोतरी हुई और वो मार्केट कैप में दिखने को लग रही है। बट रियल एस्टेट में जब आप निवेश करें तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो आपका डेवलपर है वो अपने क्लाइंट को सही तरीके से सर्विस कर पा रहा है और अपनी फाइनेंशियल प्रूडेंस बरकरार रखा है। पिछले कई दशक से रियल एस्टेट में लोगों का इसलिए पैसा नहीं बना बिकॉज लिवरेज काफी ज्यादा था और कस्टमर सर्विस या टर्न अराउंड टाइम पे उतना फोकस नहीं था। अब मार्केट में बहुत ऐसे अच्छे डेवलपर्स हैं जो कस्टमर सर्विस और लिवरेज दोनों के ऊपर काफी अच्छी तरह से कंट्रोल रखते हैं, काबू रखते हैं, तो उस प्रकार की रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। दिल्ली सर, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा 2023 का, दैट वाज ऑटोज, तो ऑटोज की रफ्तार के यहाँ से और बढ़ेगी और उसके बाद कंजम्पशन स्टॉक्स। हम अपनी घरेलू इकोनॉमी में कंजम्पशन स्टॉक्स को अभी आप कैसे वैल्यू करते हो? क्या ये रिचली वैल्यूड हैं या फिर आपको लगता है कि कंजम्पशन स्टॉक्स यहाँ से और चढ़ सकते हैं? तो जो कंज्यूमर स्टॉक्स है
वहां पे सप्लाई बहुत कम होता है। बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने एक बार लिस्टिंग के लिए जो आईपीओ किया उसके बाद कभी मार्केट में आए ही नहीं। तो एक तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वैल्यूएशन हमेशा रिच रहेंगी। सेकंड, ये कंज्यूमर स्टॉक्स में कई कंपनीज के आरओई बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंज्यूमर कंपनीज जनरेट कर लेती हैं। तो हायर आरओई और लोअर सप्लाई एंड हायर डिमांड, ये वैल्यूएशन को हमेशा सपोर्ट करता है, ऊपर रखता है। हमने जनरली देखा है कि इलेक्शन के पहले सरकार लोगों की जेब में पैसा रखती है, इलेक्शन के तहत खर्चा भी होता है तो मनी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, और ये पैसा उन लोगों के पास पहुंचता है जो ज्यादातर उसे खर्चा करते हैं। तो कंजम्पशन स्टॉक अहेड ऑफ इलेक्शन जनरली उस एंटिसिपेशन में चलने लगते हैं, और हमें लगता है कि ये बार भी, इस बार भी पुराने इलेक्शन साइकिल की तरह कंज्यूमर स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओके, तो एफएमसीजी पॉजिटिव आपको लगता है। फिर ऑटोज में ये क्या, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स, कौन सा सेगमेंट आपको ज्यादा पसंद है? सो ऑटोज में भी अगेन प्रीमियमाइजेशन स्टोरी चल रही है। एंट्री लेवल गाड़ी या बाइक उतनी नहीं बिकती जितनी एसयूवीज या महंगी बाइक्स बिकती है। तो जो कंपनी एसयूवीज के ऊपर फोकस्ड है, जो कंपनीज की इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, दैट मीन्स कैपेसिटी काफी ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, उनको काफी फायदा होगा इस ऑटो साइकिल के अंदर। और दूसरी चीज जो ऑटो में हो रही है कि लोग पेट्रोल डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड की तरफ मूव हो रहे हैं। जो कंपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाई है उनमें निवेश करना उचित रहेगा। तो मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर सेक्टर्स नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। जो प्रीमियम ब्रांड रखता है और जो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएगा उस कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। सर, वैसे आपने इस बार जो फाइनेंशियल्स का जिक्र किया ना, तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ना एक रिपोर्ट आई थी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की, तब बहुत तेज़ी से चल रहा था मिड कैप इंडेक्स, और अचानक से वो रिपोर्ट आई तो उसके बाद सब कॉशियस हो गए। उसमें भी यही लिखा था कि फाइनेंशियल सेक्टर की वैल्यूएशन ठीक है और मिड कैप की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ज़्यादा होती चली जा रही है। उसके बाद हमने देखा मिड कैप स्टॉक्स को करेक्ट होते, लेकिन कितनी पिटाई सर, और यहाँ पर शेयर ढूंढना वैसे भी इतना आसान नहीं है। तो कोई आपको ऐसा लगता है कि मिड कैप्स में अभी भी कंसर्न है और ये इस साल अंडर परफॉर्म कर सकते हैं स्टॉक्स? सो अगेन, ये पूरा नजरिया वैल्यूएशन का है। जनरली लार्ज कैप प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप डिस्काउंट पे। इस बार देखा है कि स्मॉल कैप्स आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू लार्ज कैप, तो ये माहौल लंबे दिन तो नहीं चलेगा। और शायद उसी वजह से सेल साइड रिसर्च ने आगाह किया कि कुछ स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, मिनी कैप्स बहुत महंगे लग रहे हैं। दूसरी एक चीज हमने देखी है कि बहुत सारे स्टॉक्स में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम था। सरकार की होल्डिंग 4-5%, सरकार की होल्डिंग 90 से 95% रहती थी, मार्केट में 5 से 10% माल रहता था। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग हाथों में आ गया, इन्वेस्टर्स के पास आ गया, तो कुछ भी भाव बन रहा था। तो ये दोनों वजह से मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप्स थोड़े एक्सपेंसिव लगने लगे। बट एक चीज हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी है कि प्रति माह अर्निंग्स ग्रोथ 1 से 1.5% के आसपास बढ़ रही है। तो अगर आप सेम दाम पे 6 महीने के लिए रुक गए तो 6 से 10% आपकी वैल्यूएशन वैसे ही कम हो गई, बिकॉज अर्निंग्स चल रही है और प्राइसेस वहां पे टिकी हुई है। ये सरकारी खेमा अभी लग कैसा रहा है, स्पेशली डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स, इन पे क्या नजरिया आपका? तो हमारा व्यू ये है कि जो सरकारी कंपनीज में फ्लोटिंग स्टॉक कम है और वैल्यूएशन महंगा है, वो रेड सिग्नल है। शायद मोमेंटम चलता रहेगा कुछ समय के लिए, बट जिस दिन सरकार डाइवेस्टमेंट चालू करेगी, सप्लाई देगी, तब अपने आप ये सारे स्टॉक्स सही लेवल पे, सही वैल्यूएशन पे आ जाएंगे। सो हम पीएसयूज में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, कुछ बैंक्स, कुछ डिफेंस कंपनीज, कुछ और प्रकार के पीएसयूज जहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल है, जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी मार्केट डिटरमिंड है
वहां पे निवेश करने में हमें संकोच नहीं हो रहा, बाकी सारी चीजें रेड सिग्नल दिख रही है। अच्छा नीलेश सर, क्योंकि जुड़े हैं आप हमारे साथ दिवाली के मौके पे, तो अभी ना बाज़ार में कुछ ऐसा सा पैटर्न डेवलप हो रहा है कि ये ऑप्शन सेगमेंट बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो गया, और रेगुलेटर रिटेल कैटेगरी के लिए इस सेगमेंट को थोड़ा ठंडा रखना चाहता था, दबाना चाहता था, लेकिन वो हो नहीं रहा। जिस काम के लिए मना करो वही एकदम से तेज़ी पकड़ लेता है। तो अभी ये सेबी की रिपोर्ट बताती है कि 90% जो इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो नुकसान करते हैं, उसके बावजूद सबको ऑप्शन से ही कमाई करनी है। पता नहीं कमाई होती है कि नहीं होती, लेकिन सेबी की रिपोर्ट तो कहती है कि 90% जो लोग हैं वो नुकसान करते हैं। तो आपका एक मैसेज, जो अभी अभी बाज़ार में आए हैं वो इस ऑप्शन सेगमेंट को देख रहे हैं, कितना रिस्की है, कितना जोखिम भरा हो सकता है? तो वॉरेन बफे ने कहा था कि डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बट वॉरेन बफे खुद तो डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोधारी तलवार है। अगर एक लड़ाकू के पास वो तलवार आ जाती है तो वो विजय प्राप्त कर लेगा, बट एक नौसिखिए के पास अगर वो तलवार आ गई तो अपने आप को इंजरी कर देगा। मेरे हिसाब से जो लोग एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें ट्रेडिंग के फंडामेंटल रूल्स फॉलो करने चाहिए। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब, नॉट पार्ट टाइम जॉब। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत क्रिटिकल होता है। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। अगर आप गलत हुए तो स्टॉप लॉस पे आप लिक्विड करने के लिए सक्षम होने चाहिए। ट्रेडिंग मेरे हिसाब से इज अ हार्ड वे टू मेक मनी। जैसे सेबी के रिसर्च ने बताया, 9 में से 10 लोग नुकसान करते हैं और एक बंदा प्रॉफिट करता है। जो बंदा प्रॉफिट कर रहा है वो शायद कंप्यूटर के जरिए, अल्गो ट्रेडिंग के जरिए या अपनी नॉलेज के जरिए, डिसिप्लिन के जरिए पैसा बना रहा है। जो 9 लोग नुकसान कर रहे हैं वो 9 सुखिए हैं। उन्हें लगता है कि टिप्स फॉलो करके या किसी को फॉलो करके हम ट्रेडिंग करेंगे पैसा बन जाएगा। जी, ऐसा नहीं होता है। एंड हमने तो मीडिया में कई बार देखा है कि वो लोग जो अपने आप को अच्छे ट्रेडर बताते थे, जिन्होंने क्लेम किया था कि हमने ट्रेडिंग करके बहुत पैसा बनाया, जब उनका चिट्ठा खुला तो उन्होंने नुकसान ही किया था। तो ट्रेडिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वे टू मेक मनी। सारे 9 सिखिए से मेरी एक ही हिदायत होगी, ट्रेडिंग इज इंजीरियस टू योर फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन सर, क्योंकि कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, लॉन्ग टर्म अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, हम बिजनेस पे भी कई बार ऐसे सवाल ले चुके हैं जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज हैं, लंबी अवधि के लिए वो पूछते हैं सवाल। तो अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप उसको क्या सलाह देंगे? आप इतने बड़े म्यूचुअल फंड को संभालते हो, एएमसी को संभालते हो, तो क्या करना चाहिए? क्या कोई गिरावट आ जाए तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें, और क्या इस सिनेरियो में लार्ज कैप फंड्स के साथ जाएं, मल्टी कैप फंड्स के साथ जाएं, या फिर मिड कैप फंड्स के साथ? तो मेरी जो नए निवेशक है जिनके पास समय का अभाव है उन्हें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करिए। इस फंड में इक्विटी, डेट और सोना चांदी जैसे कमोडिटीज में निवेश करते हैं। फंड मैनेजर अपने अनुभव से, अपनी प्रोसेस के अनुसार डेट, इक्विटी और गोल्ड में एलोकेशन करता रहता है। ये एक हरफन मौला फंड है, सारे मर्जों की एक ही दवा है। दूसरी बात सर कहूंगा निवेशकों से कि आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए। हमें कहा गया है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो चाहे भले कितना भी छोटा अमाउंट हो बट उसे रेगुलर तरीके से मार्केट में निवेश करना जरूरी है। आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए। तीसरी चीज आपके पास जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है। जल्दी का काम शैतान का होता है। आप निवेश करिए, उसको समय दीजिए। अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो 12 साल वेट करना पड़ता है अच्छे आम के लिए। निवेश भी कुछ आम के पेड़ की तरह है। और फाइनली जो मैंने पहले कहा था, असेट एलोकेशन, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज स्मॉल कैप का रिटर्न अच्छा है इसलिए स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया, ऐसा करेंगे तो पैसा बनना मुश्किल है। अगर आप एक संतुलन बना के रखे, थोड़ा डेट, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा गोल्ड, तो अपने आप आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिलता रहेगा और वह आपकी वेल्थ को हर साल बढ़ाता रहेगा। सो
एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और रेगुलर एसआईपी के जरिए निवेश करिए। चलिए सर, आखिरी सवाल ये कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है खाड़ी देशों में, युद्ध की स्थिति क्या ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी कंट्री किसके साथ युद्ध करने उतर आए। हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हम कामकाज कर रहे हैं और इलेक्शंस नज़दीक हैं, 5 राज्यों के इलेक्शंस तो शुरू हो भी चुके हैं, अब उसके बाद फिर 2024 में जो आम चुनाव होगा उसके ऊपर नज़र रहेगी। ऐसे सिनेरियो में निफ्टी की आप अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनियों की कितनी देखते हो, और अगर आप एक फेयर वैल्यू एक आंकड़ा बता पाओ इंडेक्स पे निफ्टी पे कि क्या छुएगा निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी और सेंसेक्स अगली दिवाली तक, तो बहुत मदद हो जाएगी सर। सब आप ही को सुनना चाहते हैं कि आप कितने बुलिश हो इंडियन मार्केट। तो एक रजत पे हम तो भारत पे हमेशा बुलिश रहे हैं, हमें कभी मौका ही नहीं दिया भारत ने बेरिश होने का। हमने हमारी मार्केट में करेक्शन देखा है, 2008 का करेक्शन जो हुआ था वो सब प्राइम क्राइसिस यूएस में थी और हमारी मार्केट करेक्ट हो गई, 2013 में टेपर टेंट्रम यूएस में हुआ था और हमारी मार्केट करेक्ट हो गई, 2020 में कोविड पूरे विश्व में फैला था, साथ साथ हमारी मार्केट भी गिरी, बट वो कोई दूसरे मार्केट के सामने ज्यादा या कम नहीं गिरी थी, उनके जितनी ही गिरी थी। सो हमारी गिरावट में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन बाहरी कारणों का रहा है, डोमेस्टिकली तो हम अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज की तारीख में जो ब्याज की दरें हैं वहां पे 18 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग एक फेयर वैल्यू बनती है। हमें लगता है कि निफ्टी की अर्निंग पर शेयर 1100 से 1125 FY25 में आनी चाहिए और उसे आप 18 टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आपको एक फेयर वैल्यू ऑफ इंडेक्स देता है। बट फेयर वैल्यू ऑफ इंडेक्स एक इंडिकेशन है, स्टॉक्स कहीं ऐसे होंगे जो फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है और इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से जब आप इक्विटी में निवेश करें तो संवत तो संवत मत देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए। भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था 2014 में, आज 5वीं है, कल तीसरी हो जाएगा और परसों दूसरी के आसपास आ जाएगा। तो ये जो जर्नी है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 37 ट्रिलियन डॉलर 25-30 सालों में बनेगी उसकी है। अब आप उसमें बैठे रहिए, उसमें आना जाना मत करिए। जब राइजिंग टाइड होती है तो सारी बोट लिफ्ट हो जाएगी, सिर्फ बोट में हमें बैठे रहना है। नीलेश सर बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए। एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। शुक्रिया रजत भाई, और अगेन बिस्तक के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।